बोलिए महाकाली मैया की। भक्तों, आज मैं आपको काली माता की कथा का एक बहुत ही विलक्षण अंश सुनाने जा रहा हूँ। जब रणभूमि में शुंभ निशुंभ ने भारी प्रलय मचा रखी थी, तो माता काली ने कैसे दोनों राक्षसों का वध किया था और रक्त बीज जैसे महाबलशाली दैत्य का अंत किया था। तो आइए सुनते हैं ये पावन संगीतमय कथा। मैं रक्त बीज का आज तुम्हें संघार दिखाता हूँ, मैं संघार दिखाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, दुष्ट महापापी दैत्यों की हार दिखाता हूँ, भक्तों हार दिखाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है भक्तों, जब रक्त बीज ने स्वर्ग पर भारी आतंक मचाया हुआ था। देवता उसके भय से कांपते थे, स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मची हुई थी। सारा देवलोक रक्त बीज से भयभीत था, सारे चिंता में डूबे हुए थे कि इस राक्षस से हमें कौन बचा सकता है। सारे देव मिलकर के माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। करें आराधना दुर्गा माँ की देव सभी मिलकर, संकट में है प्राण हमारे रक्षा करो आकर। रक्त बीज के भय के कारण हम सब भटक रहे, स्वर्ग हमारा अधर्म लटक रहे। दया करो हे करुणा दायिनी दया दायिनी माँ, रक्त बीज से हमें बचा लो सिंह वाहिनी माँ। दुष्ट अधर्मी दानव मिलके हमें रहे ललकार, आकर के माँ रक्त बीज का करो तुम्ही संघार। क्या कहती है माँ दुर्गा मैं तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं
कथा सुनाता हूँ। करुण पुकार सुनकर माता दुर्गा का हृदय द्रवित हो जाता है। भक्तों, माँ देवताओं को वचन देती हैं, आप सब धैर्य रखें और चिंता मुक्त हो जाएं। उस रक्त बीज का अंत मेरे हाथों से शीघ्र ही होने वाला है। श्री दुर्गा जी के मुखार बिंद से ऐसे वचन सुनकर देवताओं को बहुत राहत मिलती है। माँ वचन सभी को हो गई अंतर ध्यान, देव हुए निश्चिंत वहां से करते हैं प्रस्थान। उधर देखिए रक्त बीज का लगा हुआ दरबार, लगता है सारे ही लड़ने मरने को तैयार। रक्त बीज को ढूंढ रही है दुर्गा महारानी, करने को मन में है ठानी। क्रोध के कारण दुर्गा माँ का चेहरा हो गया लाल, ढूंढ रही है रक्त बीज को बनकर उसका काम। इसके आगे जो होता है तुम्हें समझाता हूँ, भक्तों तुम्हें समझाता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। दुर्गा माता हिमालय की वादियों में दैत्यराज रक्त बीज को ढूंढ रही हैं। इसी दौरान रक्त बीज के सिपाही दैत्यों की नजर माता के ऊपर पड़ जाती है। वो माता की सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुरंत ही रक्त बीज के पास आकर उस नारी की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं, जो स्वयं माता दुर्गा है। रक्त बीज आदेश देता है उस सुंदरी को हमारे सामने हाजिर किया जाए। रक्त बीज के दैत्य तुरंत ही वहां पे आते हैं, रक्त बीज के मन की भावना माँ को सुनाते हैं। बन जाओ उनकी पटरानी हे महारानी, तुम राज करोगी सुनो सुंदरी बन पटरानी। सुन के बात विवाह की माँ के नेत्र हो गए लाल, गरज के बोली माँ दैत्यों से मैं हूँ उसकी काल। रण में युद्ध करे वो हमसे जा कर के बोलो, करे सामना मेरा रण में आकर के बोलो। लौट गए वो दैत्य वहाँ से, सत्य बताता हूँ भक्तों सत्य बताता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। रक्त बीज के दैत्य रक्त बीज के पास आकर सुंदरी द्वारा दी गई चुनौती ज्यों की त्यों रक्त बीज को बताते हैं, जिसे सुनकर रक्त बीज आग बबूला हो जाता है और अपने सभी महारथियों को आदेश देता है कि युद्ध की तैयारी करो। हमने प्रतिज्ञा की है
कि उस सुंदरी को अपनी पटरानी बना करके ही रहेंगे और अपनी विशाल सेना के साथ रक्तबीज माँ से युद्ध करने निकल पड़ता है। रक्तबीज दलबल के संग में उड़ के चला आकाश, पवन वेग से पहुंच गया वो माँ दुर्गा के पास। रक्तबीज माँ जग जननी को आके रहा ललकार, तेरी चुनौती और सुंदरी हमको है स्वीकार। आज पराजित करूँगा तुझको, करूँगा तुझसे प्यार, यही है मेरे मन की इच्छा, यही है मेरी चाह। मृगनयनी ओ हृदय मोहिनी अपने शस्त्र उठा, सीना ताने रक्त बीज है आगे तेरे खड़ा। दो ही क्षण में तेरा मैं अभिमान मिटाता हूँ, मैं अभिमान मिटाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जग जननी महामाया रक्त बीज के ऊपर टूट पड़ती है भक्तों, महाप्रलयंकारी घमासान युद्ध छिड़ जाता है। रक्त बीज की सेना कट कट के धरती पर गिरती जा रही थी, किंतु महामाई हैरान थी कि रक्त बीज का रक्त जहां जहां गिरता था वहीं वहीं से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होता जाता था, जो रक्त बीज के समान ही बलवान होता था। माता ने अपनी शक्तियों को आदेश दिया और उनके शरीर से ही माँ महाकाली प्रकट हुई। नेत्र लाल विकराल बदन फिर बना महाकाली का, गले हार नर मुंड सुशोभित माता काली का। खंडा खपर लिए हाथ में गरज रही माता, का डर के मर जाता। सिंह गर्जना करे कालिका, गूंज रहा आकाश, काट रही दानव तल काली मार मार अट्टहास। रक्त पिशाचिनी बनी चंडिका, करे रक्त का पान, काट काट असुरों को माने बना दिया शमशान। कांप उठा था रक्त बीज भी, सत्य बताता हूँ भक्तों सत्य बताता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। प्रलयंकारी संग्राम छिड़ जाता है, रणभूमि रक्त की झील बन जाती है। भक्तों, दुर्गा माँ काल बनकर असुरों को काट रही थी, चंडी माता और उनकी 64 योगिनियां उन असुरों का रक्त पीती जाती हैं। ऐसे महासंग्राम को देखकर रक्त बीज कांप उठता है। माता काली खंडे के प्रहार से उसकी गर्दन उड़ा देती है और उसका सारा रक्त खप्पर में भरकर पी जाती है। भक्तों, बाकी योगिनियां रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती हैं। इस प्रकार महापापी रक्त बीज का अंत हो जाता है। भक्तों, रणचंडी बन महाकाली ने दानव मार दिया, तीनों लोक कांप उठे ऐसा संहार किया। क्रोधग्नि में जल रही
मेरी काली मार रही हुंकार। तीनों लोक में मच जाता है भारी हाहाकार। सारा हाल देवता जाके शिव को सुनाते हैं। क्रोध शांत करने काली का शिव जी आते हैं। लेट गए काली की राह में शिव शंकर भगवान। शंकर की छाती पे माँ का पड़ जाता है पांव। हो जाती है शांत मकाली सत्य बताता हूँ भक्तों सत्य बताता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ कांपती हुई काली माता हुंकार भरते हुए चारों दिशाओं में डोल रही है। भगवान भोलेनाथ उनकी राह में लेट जाते हैं। माता महाकाली जी का पांव शंकर भगवान की छाती पर पड़ जाता है भक्तों। और माता को बड़ा ही पछतावा होता है कि भगवान भोलेनाथ की छाती पर मैंने पांव रख दिया है। प्राश्चित के स्वरूप माता काली की जिह्वा दांतों तले आ जाती है। भक्तों कथा लिखने में जो भी त्रुटि हुई हो मैं सुखदेव आप सभी से क्षमा मांग रहा हूँ। एक बार फिर बोलिए मैया महाकाली की। मां बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता।
माता सुनी तो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख तेरी आरती, ओ मैया, हम सब उतारे तेरी।